बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का पेज नंबर 12 और यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3। डेट और डे आपने पर मेंशन कर देना है और सी वर्क भी मेंशन कर देना है। रीड आउट करते हैं। रीडिंग द ब्लैक काइट, यानी काली पतंग। ब्लैक कहते हैं काली, काइट कहते हैं पतंग को। रीड आउट करते हैं। एज यू रीड द स्टोरी, जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे, आस्क योरसेल्फ, आपने अपने आप से पूछना है, वेयर डिड तारिक लिव, के तारिक कहाँ रहता था। तारिक लिव्ड इन अ टॉल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इन लाहौर, कहते हैं तारिक रहता था एक लंबे से ब्लॉक के फ्लैट्स में इन लाहौर के अंदर। इन लाहौर के अंदर तारिक एक लंबे से फ्लैट्स के ब्लॉक में रहता था, लाहौर इन लाहौर। ही हैड थ्री काइट्स, उसके पास तीन पतंगे थी। वन काइट वाज ब्लू, एक का कलर ब्लू था, विद अ येलो टेल, जिसकी टेल येलो कलर की थी। यानी एक ब्लू कलर की काइट थी जिसकी येलो टेल थी, यानी ब्लू काइट येलो टेल। वन काइट वाज ऑरेंज, एक का कलर ऑरेंज था, विद द वाइट टेल, सफ़ेद टेल के साथ। यानी ऑरेंज कलर की पतंग थी और उसकी टेल वाइट कलर की थी, जैसे इस पिक्चर में है। वन काइट वाज रेड, एक रेड कलर की थी, विद द ग्रीन टेल, और उसकी टेल कौन सी थी, ग्रीन कलर की। तारिक लाइक द रेड काइट बेस्ट, तारिक को पसंद थी रेड वाली काइट सबसे ज़्यादा। यानी इसके बाद तीन पतंगे थी, ब्लू, ऑरेंज और रेड, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद थी, रेड कलर की। ठीक है। प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू फ्लाई माई काइट डैड, क्या मेरी मदद करेंगे उड़ाने में काइट डैड, ही आस्क, उसने पूछा। किसने, क्या नाम है इसका, तारिक। तारिक ने डैड से पूछा, क्या मेरी मदद करेंगे काइट को उड़ाने में। वेल आई विल ट्राई, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, ट्राई होता है कोशिश करना। His father smiled, उसके फादर ने मुस्कुराते हुए कहा। But I am not a good at flying kites, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ kites को उड़ाने में, flying यानी उड़ाने में। Let's go up to the roof, चलो चलते हैं छत पर, roof कहते हैं छत को। They took the kites up to the roof, वो पतंगे ले गए छत के ऊपर। Oh look, ओ देखो, said his father, उसके फादर ने कहा। There is Mr. Riaz, वहाँ मिस्टर रियाज हैं, ये मिस्टर रियाज। ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। डोंट मेक टू मच नॉइस, आपने बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना, नॉइस देना इतना शोर करना। और ही विल बी एंग्री, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। मिस्टर रियाज वाज सिटिंग ऑन अ मैट, मिस्टर रियाज मैट पर बैठे, मैट पर बैठे हुए ना ये। ही डिड नॉट लुक एट तारिक एंड हिज फादर, वो तारिक और उसके फादर को नहीं देख रहे, क्योंकि उनकी वो बुक रीड कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं देख रहे। तारिक टुक द ब्लू काइट, तारिक ने ब्लू काइट को पकड़ा। फर्स्ट इट वेंट अप, पहले वो ऊपर गई, देन इट फेल डाउन, और फिर वो नीचे की तरफ आ गई। दे ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, ट्राइड कोशिश करना, अगेन दोबारा। एट लास्ट द काइट फ्लू, आखिरकार फ्लू अप, आखिरकार, एट लास्ट कहते हैं आखिरकार, जो काइट थी फ्लू अप यानी उड़ गई, इन टू द स्काई, आसमान पर। आखिरकार जो काइट थी वो आसमान पर उड़ गई, वेल डन, बहुत अच्छे, सेड तारिक फादर, तारिक के फादर ने कहा। द ब्लू काइट लुक लवली, जो ब्लू काइट है बहुत प्यारी लग रही है, ये देखिए ना ब्लू काइट उसकी। एट दैट वुमन अ ब्लैक काइट अपीयर्ड, उसी वक्त एक ब्लैक काइट जाहिर हो गई, अपीयर्ड कहते हैं जाहिर होना, ये वाली ब्लैक काइट। तारिक सा टॉल बॉय वेयरिंग अ पर्पल कैप ऑन द रूफ ऑफ द फ्लैट्स नेक्स्ट डोर, तारिक ने देखा एक लंबे से लड़के को वेयरिंग, जिसने पहनी हुई है अ पर्पल कैप, एक पर्पल कलर की कैप, ऑन द रूफ ऑफ द फ्लैट्स, फ्लैट्स की छत पर, नेक्स्ट डोर, उसके अगले तरफ। यानी तारिक ने देखा एक लड़के को जिसने पर्पल कलर की कैप पहनी है छत पर, जो कि उसके घर के आगे की तरफ था, दरवाजे पर, दरवाजा था उनके, यानी उनके नेबर थे ये। ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। प्लीज़ डोंट कट डाउन माई काइट, प्लीज़ मेरी काइट मत काटना, शाउटेड तारिक, तारिक ने चलाया, शाउटेड तारिक, तारिक ने चलाया, ने ऊंची आवाज से कहा। डोंट शाउट, शाउट नहीं करना, सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा। किसके, तारिक के फादर ने कहा। मिस्टर रियाज विल बी एंग्री, मिस्टर रियाज एंग्री हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। पुल द स्ट्रिंग, पुल कहते हैं खींचो स्ट्रिंग यानी तार को, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग कह रहे हैं ये डोर को, कि डोर को खींचो। द टॉल बॉय लाफ अगेन, जो लंबा लड़का था वो दोबारा से हंसा। ही कट डाउन तारिक काइट, ब्लू काइट, उसने तारिक की ब्लू काइट काट दी,
विद हिज ब्लैक वन, अपनी ब्लैक वन से, यानी तो उसने तारिक की ब्लू कार दी अपनी ब्लैक आइट से। डाउन इट फेल, और नीचे की तरफ, डाउन इन टू द स्ट्रीट ब्लो, और नीचे की तरफ गली में गिर गई। यहाँ तक आपने लर्न करना है। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आज हम करेंगे आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। हमने जो लेसन स्टार्ट किया हुआ है वह ब्लैक काइट, जो कि पेज नंबर 12 पर है। आज हम उसका 13 नंबर पेज करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, रीडर करते हैं। हमने लास्ट स्टोरी में पढ़ा था, लास्ट पेज पे, कि जो तारिक है उसने एक अपनी एक ब्लू कलर की काइट को फ्लाई करवाया था, जो कि ब्लैक वाली काइट ने काट दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। डोंट वरी सेड तारिक्स फादर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तारिक के फादर ने कहा। लेट्स फ्लाई द ऑरेंज काइट, चलो हम फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं ऑरेंज काइट, जो कि ऑरेंज काइट है। फर्स्ट इट वेंट अप, पहले वो ऊपर गई, देन इट फेल डाउन, फिर वो नीचे आई। दे ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, ट्राई कहते हैं कोशिश करना, अगेन दोबारा। एट लास्ट द काइट फ्लू अप इन टू द स्काई, आखिरकार जो पतंग थी वो आसमान पे फ्लाई करने लगी, नहीं उड़ने लगी। वेल डन, बहुत अच्छे सर तारिक फादर, तारिक के फादर ने कहा। इट लुक लवली, ये बहुत अच्छी लग रही है। बट देन द ब्लैक काइट अपीयर, लेकिन फिर एकदम से क्या हो गया, ब्लैक काइट अपीयर हो गई, जाहिर हो गई। अपीयर कहते जाहिर होना। ओ नो, शाउटेड तारिक, तारिक ने शाउट किया, नहीं चलाया। प्लीज़ डोंट कट डाउन माई काइट, मेहरबानी करके मेरी काइट मत काटना, प्लीज़ प्लीज़, मेहरबानी मेहरबानी। डोंट शाउट, चलाओ मत, सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा। मिस्टर रियाज विल बी एंग्री, मिस्टर रियाज एंग्री हो जाएंगे। पुल द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग खींचो तार को, यानी डोर को खींचो। द टार बॉय लाफ, जो लंबा लड़का था वो हंसने लग गया। ही कट डाउन तारिक्स ऑरेंज काइट, उसने तारिक की ऑरेंज काइट काट दी विद हिज ब्लैक वन, अपनी ब्लैक काइट के साथ। डाउन इट फेल, वो नीचे की तरफ आ गई। डाउन इन टू द स्ट्रीट बिलो, और वो नीचे स्ट्रीट यानी गली में गिर गई। ओ डियर तारिक्स क्राइड, ओ डियर तारिक क्राइड, ओ प्यारे तारिक ने रोना शुरू कर दिया। नाउ आई हैव ओनली गॉट वन काइट, अब मेरे पास सिर्फ एक काइट है। एंड आई लाइक द रेड वन बेस्ट, और मुझे रेड वाली है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। शी डोंट क्राई, मत, वाले साहब ने उसको चुप कराया, यानी सेट तारिक फादर। शी चुप हो जाओ, डोंट कराए, रो मत, सेट तारिक फादर, तारिक के फादर ने कहा। कम हेयर, इधर आओ, सेट अ वॉइस, एक आवाज़ ने कहा। बिहाइंड दम, जो कि पीछे से आई है। दे टर्न अराउंड, उन्होंने पीछे तरफ मुड़े। इट वॉज मिस्टर रियाज, वो मिस्टर रियाज थे। ये लेसन आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग है काइट यानी पतंग, लिव मतलब रहना, रूफ मतलब छत, नॉइस शोर, एंग्री ANGANG आता है यहाँ पे, GRY एंग्री नाराज, अपीयर जाहिर होना, शाउट चलाना, क्राइड रोना। इसकी बी पार्ट भी कर लेते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ई सेंटेंस, यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं और हमने जो करेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट था तारिक है, कितनी कार्ड्स थी, 2, 3 या 4, कितनी कार्ड्स थी तारिक के पास, 3 कार्ड्स थी, तो हमने 3 के लिए उन्होंने ये सर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमने करने हैं, ही लाइक दैट डैश काइट बेस्ट, कौन सी काइट को सबसे ज़्यादा पसंद थी, रेड वाली, तो रेड के लिए कर दिया। हिज फादर वाज नॉट गुड एट फ्लाइंग, उसके फादर अच्छे नहीं थे फ्लाई करने करने में काइट। मिस्टर रियाज वाज शॉर्टिंग, रीडिंग और रनिंग, रीड कर रहे थे ना, पढ़ रहे थे बैठ के, तो रीडिंग के गिर्द सर्कल कर देंगे। अ टॉल बॉय वाज फ्लाइंग अ ब्लैक काइट, जो लंबा लड़का था वो ब्लैक कलर की काइट फ्लाई कर रहा था। ही कट डाउन 2 ऑफ तारे, उसने तारे की 2 काइट्स काट दी थी, और जो उससे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो रेड वाली थी, वो अभी उसने फ्लाई नहीं की थी, ठीक है, इसलिए 2 काटी थी उसने, 2 उसकी तारिक की जो पतंग थी ना, यानी काइट थी, वो काट दी थी। तारिक फेल वेरी सैड, तारिक बहुत ज़्यादा उदास हो गया। यहाँ जब हमारा लेसन 3 यूनिट 2 का कंप्लीट हो गया।